हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी में। चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने कहा है कि टीम अब तक अलग अलग चीजों को आजमा रही है। यही वजह है कि वो बल्लेबाजी में क्रम में नीचे आए थे। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सीएसके के 16 रन के हार के बाद अब धोनी ने ये बात बताई। धोनी पारी के 14वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे जब सीएसके का स्कोर 114 पर 5 विकेट था। वक्त टीम को जीत के लिए अभी भी 103 रनों की जरूरत थी। ऐसे में माही कितनी देर से बल्लेबाजी करने आना कई क्रिकेट एक्सपर्ट को समझ नहीं आया। 7वें नंबर पर बैटिंग करने को लेकर धोनी कहते हैं, मैंने बहुत लंबे समय तक बल्लेबाजी नहीं की है, धीरे धीरे टूर्नामेंट में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा हम कुछ नया प्रयास करना चाहते हैं। सैम करन या रविंद्र जडेजा को आगे भेजना उसी रणनीति का हिस्सा था। माही आगे बताते हैं, ये कुछ ऐसा है जो हमने बहुत लंबे समय से नहीं किया और इसमें हमें टूर्नामेंट की शुरुआत में ऐसा करने का मौका मिलता है और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है आप सीनियर खिलाड़ियों को कदम उठाते हुए देखेंगे और ये जिम्मेदारी लेंगे। मुझे लगता है कि हमारे पास ये एक अवसर है जहाँ हम काम करते हैं तो कुछ अलग चीजें आजमा सकते हैं। धोनी को शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि वह अपनी पहली 12 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बना पाए थे, लेकिन अंतिम ओवर में सीएसके को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। धोनी 20 रन बनाने में सफल रहे जिसमें 3 छक्के शामिल थे। सीएसके के लिए फाफ डू प्लेसिस ने सिर्फ 37 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली। एमएस धोनी की अगुवाई वाली टीम ने अंत में 200 रन बना पाए, लेकिन वे फिर भी 16 रन से मैच हार गए। दोस्तों, वैसे तो एमएस धोनी ने पहले ही कह दिया कि वो क्रिकेट से संन्यास ले रहे, वो सिर्फ आईपीएल के दौरान ही हमें मैदान में खेलते हुए नजर आए। शायद यही कारण हो सकता है कि अब धोनी पूरी तरह से खेल में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे और वैसे भी लॉकडाउन में शायद घर में रहने की वजह से पूरी तरह से सभी क्रिकेटर्स प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी की आपकी कोई भी राय तो हमें जरूर कॉमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर करें और भी ऐसी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।